जय हिंद दोस्तों, आज हम डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कोटिंग के कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे ऑरेंज पील जिसको एक्सेसिव रफनेस भी कहते हैं, रफनेस और लोगो ब्रिजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इसके क्या कॉज हैं और क्या इसके सॉल्यूशन है। सबसे पहले रफनेस, रफनेस क्या है? रफनेस टैबलेट्स में रफ हो जाती है टैबलेट्स या नॉन ग्लोसी हो जाती है, स्मूथनेस जो है उस टैबलेट्स की चली जाती है। वो होता क्यों है वो, उसका क्या रीजन है? जब गन से स्प्रे होता है सॉल्यूशन तो टैबलेट्स के ऊपर जो है स्प्रे होगा, लेकिन कुछ ड्रॉपलेट सॉल्यूशन कोटिंग के वो उस टैबलेट्स के ऊपर पड़ने से पहले ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने के बाद उसके ऊपर चिपकते हैं, ड्राई होने के बाद चिपकेंगे, जिसकी वजह से रफनेस की जो है प्रॉब्लम आती है। रीजन क्या है? रीजन तो एक तो हाई डिग्री ऑफ ऑटोमाइजेशन, ये सबसे मेन रीजन है इसका, हाई डिग्री ऑफ ऑटोमाइजेशन। जो ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होने की वजह से जो उसके ड्रॉपलेट्स होंगे ना वो बड़े होंगे, बड़े होने के बाद उस पर जो प्रेशर पड़ेगा टैबलेट्स पे, तो प्रेशर पड़ने से ज्यादा प्रेशर पड़ने से क्या होंगे, वो रफनेस कॉज करेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? हाई रैपिड रेट ऑफ ड्राइंग, दूसरा सबसे बड़ा रीजन इसका ड्राइंग रेट का ज्यादा होना। यदि ड्राई रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो हमने वही बोला कि जो सॉल्यूशन है वो ऊपरी जो है टैबलेट्स बेड में पड़ने से पहले ही सूख जाएगा उसके, जिसकी वजह से रफनेस की जो है प्रॉब्लम आती। ये तो इसके कॉजेज हैं, और साथ साथ जो बेड से और गन के बीच की डिस्टेंस है, नोजल के बीच की डिस्टेंस है, वो ज्यादा होने की वजह से, तो ज्यादा होगा तो जैसे स्प्रे पड़ेगा उस पर, तो स्प्रे जो है क्या हो रहा है, पहले सूख जा रहा है, जिसकी वजह से क्या रहा है, रफनेस की प्रॉब्लम आ रही। तो सॉल्यूशन तो वही है, ऑटोमाइजेशन को कम करना, जो ड्राइंग रेट है उसको कम करना। सेम यही जो प्रॉब्लम्स है, यही कॉज जो है ऑरेंज पील में आते, लेकिन ऑरेंज पील क्या होता है, एक्सेसिव रफनेस को ऑरेंज पील कहा जाता है। इसका क्या रीजन है कि जो टैबलेट्स के ऊपर जो कोटिंग आप चढ़ा रहे हो वो असामान्य रूप से फैलता है ड्राइंग से पहले, ड्राइंग से पहले वो असामान्य रूप से फैलता है, उसके बाद क्या होता है, ड्राइंग होती है, जिसके वजह से ऑरेंज पील इफेक्ट आता है। जैसे आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज का जो बाहर का छिलका होता है उसको उखाड़ोगे, उसी ढंग का जो है टैबलेट्स में भी आता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसका जो छिलका है वो निकला हुआ है ऑरेंज की तरह, जो ऑरेंज पील की तरह जो है निकला हुआ, इसलिए उसको ऑरेंज पील इफेक्ट बोलते हैं। रीजन क्या है? रीजन हमने जो रफनेस की रीजन है वही इसकी रीजन भी है कि रैपिड रेट का ड्राइंग होना, हाई डिग्री ऑफ ऑटोमाइजेशन, ठीक है ना, और साथ साथ हाई सॉल्यूशन विस्कोसिटी, सेम ही है, विस्कोसिटी यदि ज्यादा होगी तो जिसके वजह से क्या होगा, कहीं पे सॉल्यूशन ज्यादा रहेगा कहीं पे कम रहेगा, ड्राइंग रेट ज्यादा होने की वजह से वो सूखेगा, जहां पे क्या है ड्राइंग रेट जब ज्यादा होगी उसकी रैपिड ड्राइंग रेट होगी तो क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन तो पहले सूख जाएगा उसके बाद वो चिपकेगा, है ना, कुछ कहीं पे ज्यादा स्पीड होगा कहीं पे कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा वो उखड़ेगा, ठीक है ना, ऑरेंज पील इफेक्ट आएगी उसमें, ठीक है। ये जो चौथा कंडीशन है, चौथा कॉजेज है इसकी, वो है लो स्प्रे रेट के साथ, एक साथ होने चाहिए, लो स्प्रे रेट विद हाई ड्राइंग, हाई ड्राई कंडीशन लो स्प्रे के साथ हाई डिग्री ऑफ ऑटोमाइजेशन, ये तीनों एक ही साथ कपल्ड में हो रहे हैं तो ऑरेंज पील इफेक्ट आता है, जिसको एक्सेसिव रफनेस कहते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऑटोमाइजेशन रेट ड्राइंग की जो है उसको रखो,
जो कोटिंग सॉल्यूशन आपने बना रखा है, जो विस्कस हो रखा है, गाढ़ा हो रखा है, उसको हम एडिशनल सॉल्वेंट मिला करके उस जो गाढ़े सॉल्यूशन को हम थिन कर सकते हैं, थिन मतलब पतला कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बराबर स्प्रेड होगा क्या सॉल्यूशन किसके ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, और जो ऑरेंज पील का इफेक्ट है वो दूर होगा। इसके साथ साथ आपको ऑटोमाइज करना है ऑटोमाइजेशन को, जो ऑटोमाइजेशन रेट है, एयर प्रेशर है आपका, उसको आपको कम करना है या फिर ऑप्टिमम रखना है, ताकि ताकि जो है उस पर प्रेशर ना पड़े टैबलेट्स पे, और जो है टैबलेट्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो जो है उसमें रफनेस आएगी इसके, तो आपको ऑप्टिमाइजिंग करके जो है इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उसके बाद पेन की स्पीड को एडजस्ट करके, यदि पेन की स्पीड में भी वेरिएशन होगा तो भी जो है ये जो कोटिंग जो ये ऑरेंज पील का फैक्ट आएगा, इसलिए हमें कोटिंग पैन की स्पीड को भी ऑप्टिमाइजिंग या एडजस्ट करके चलाना है, जिससे क्या होगा जो रफनेस की प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी और साथ साथ ऑरेंज पील का फैक्ट भी दूर होगा। इसके साथ अब है लोगो ब्रिजिंग, ये जो डिफेक्ट्स है ये भी टैब है, ये भी कोटिंग का डिफेक्ट है, ये आता क्या क्यों है, आपने देखा होगा टैबलेट्स में कुछ मोनोग्राम लिखे होते हैं, है ना, जैसे किसी टैबलेट्स में एम लिख दिया उसके ऊपर लोगो, लोगो रहते ना, कोई अपना लोगो रखता है कहीं पे, किसी टैबलेट्स में लोगो लिखा हुआ, जैसे पैरासिटामोल है उसमें लिख दिया भाई 500, उसके ऊपर 500 लिख दिया ना, तो यदि वो जो लोगो है वो लोगो पूरी तरह से ढक जाता है, जब उसके ऊपर पूरा सॉल्यूशन पड़ जाता है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से वो जो लोगो है वो दिखना ही बंद हो जाता है, तो वो जो डिफेक्ट्स है कोटिंग का, उस डिफेक्ट्स और टैबलेट्स के डिफेक्ट्स को कहा जाता है लोगो ब्रिजिंग डिफेक्ट्स। अब इसके क्या कॉजेज हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है वो अभी बता दें। तो दोस्तों हम लोगो ब्रिजिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि लोगो ब्रिजिंग होता क्या है। तो लोगो ब्रिजिंग में क्या होता है, जो आपका लोगो है टैबलेट्स में या फिर जो ब्रेक लाइन दे रखी है टैबलेट्स में, वो क्या हो जाती है, भर जाती है, दिखती नहीं है। दिखने का क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें, उसमें स्ट्रेस की वजह से, ठीक है ना, स्ट्रेस की वजह से वो क्या होता है, पूरा फैल जाता है, और जिसकी वजह से लोगो ब्रिजिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लोगो ब्रिजिंग की जो प्रॉब्लम है, इस उसके क्या कॉजेज हैं, सबसे पहला कॉज आता है हाई स्प्रे रेट। यदि स्प्रे रेट जो है ज़्यादा होगा कोटिंग सॉल्यूशन का, तो ऑब्वियसली है कि वो टैबलेट्स के ऊपर ज़्यादा जो है उस पर सॉल्यूशन चढ़ेगा। ज़्यादा स्प्रे रेट की वजह से क्या होगा, जो लोगो उसमें दिया होगा वो लोगो भर जाएगा, ठीक है। अगला है हाई विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यदि ज़्यादा विस्कस होता है जब सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन विस्कस ज़्यादा होने की वजह से फैलता नहीं है, यही रीज़न है ज़्यादा गाढ़ा होने से क्या होगा, वो पूरी तरह से उसके ऊपर फैल नहीं पाएगा, और जहाँ पे भी वो जो है सॉल्यूशन जाएगा उस जगह को क्या कर लेगा, ढक देता है। अगला है हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूड इन सॉल्यूशन, यदि जो सॉल्यूड का कंसंट्रेशन है यदि वो सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है, तो भी जो है लोगो ब्रिजिंग की प्रॉब्लम आएगी। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूड कंटेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होकर के जहाँ पे लोगो होता है उसकी तरफ आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो लोगो है या जो ब्रेक लाइन है वो ढक जाता है। अगला है इम्प्रॉपर ऑटोमाइजेशन, यदि जो आपका ऑटोमाइजेशन भी सही नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो उसकी वजह से भी लोगो ब्रिजिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगला है
पंच जो है, यदि उसकी जो फिनिशिंग है, जो लोगो है, उसमें इम्बोजिंग दे रखी है, वो पुअर डिजाइन है, ठीक है। तो डिजाइन पुअर होने की वजह से भी क्या आएगा, लोगो ब्रिजिंग आएगी, ठीक है ना। अगला आता है इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन से रिलेटेड भी जो है संबंधित, जैसे प्लास्टिसाइजर की कमी होना, प्लास्टिसाइजर यदि प्रॉपर ढंग से नहीं डाला होगा तो उसकी वजह से भी लोगो ब्रिजिंग कॉज करता है। अब इसके सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले तो हम स्प्रे रेट को कम कर सकते हैं, प्रेस्थेटिक पंप का आरपीएम करके कम करके स्प्रे रेट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ विस्कोसिटी को कम कर सकते हैं। कैसे कर लेते हैं, उसमें हम जो एडिशनल सॉल्वेंट होता है उसको ऐड करके विस्कोसिटी जो है सॉल्यूशन की कम करके भी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। अगला, जो सॉल्यूट का परसेंटेज है उसमें उसको भी कम कर सकते हैं। जो ऑटोमाइजेशन इम्प्रॉपर हो रखा है जिसकी वजह से लोगो ब्रिजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको प्रॉपर ऑटोमाइजेशन करके, प्रॉपर ऑटोमाइजेशन करके क्या कर सकते हो, लोगो ब्रिजिंग की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। अगला है पंच पुअर, जो पंच डिजाइन हो रखा है, यदि हम इसके डिजाइन को बेटर करके या उसके डिजाइन को चेंज करके भी जो है पंच के जो लोगो डिजाइन है उसको चेंज करके भी लोगो ब्रिजिंग की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कर सकते हैं। लास्ट वाला है जो इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन जिसकी वजह से लोगो ब्रिजिंग आ रही, तो हमें क्या करना है, प्लास्टिसाइजर को बढ़ा करके, इनक्रीज करके या इसके अतिरिक्त उसको चेंज करके, या तो यदि प्लास्टिसाइजर वर्क नहीं कर रहा तो उसको चेंज कर दो, यदि उसमें कमी आ रही है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको प्लास्टिसाइजर को बढ़ा करके हम लोगो ब्रिजिंग की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद।